हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू एक हेड रैप का, जो कि मैंने लिया था अमेज़ॉन से। सो, ये कुछ ऐसा दिखता है। पैकेजिंग जो थी इसकी नॉर्मल थी, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं थी, एक प्लास्टिक कवर था उसके अंदर ही आया था। सो, वो मैंने फेंक दिया गलती से। सो, ऐसी कुछ है। और यहाँ पे इसके बटन है ऐसा, और पूरा आप देखेंगे तो ये ऐसा है। यहाँ पे हेड आएगा और देन इसको रैप करने के लिए यहाँ पे इलास्टिकेटेड छोटा सा है लूप, जिसको आप ये बटन से अटैच करेंगे। मैं डेमो भी इसका दिखा दूँगी आपको, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। बाकी जैसा कि ये अमेज़ॉन में पिक्चर में दिखा रखा था इसका फैब्रिक, वो वैसा फैब्रिक तो ये नहीं आया है बिल्कुल भी। मैं पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ स्क्रीन में। सो, जो अमेज़ॉन में पिक्चर थी वो काफ़ी दिखने में, जो क्लोथ था वो काफ़ी प्रीमियम क्लोथ लग रहा था, लेकिन जब ये आया है तो इसकी जो क्वालिटी है वो कोई इतनी अच्छी बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल क्लोथ, बस थोड़ा सा यहाँ पर जैसे टावल में होता है, हमारे हैंड टावल में या फिर नॉर्मल टावल में भी थोड़े से ऐसे वो हैं, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही ये थिन है, और क्वालिटी भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसका प्राइस जो है वो 189 रुपीज़ में मुझे मिला था, एंड दिस इज़ अ नॉन रिटर्नेबल आइटम, इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें जैसा कि क्लेम में इसके लिखा हुआ था कि ये हर एवरी हेड को कवर कर लेता है, मतलब ये फ्री साइज़ का है, सबके हेड को, सबके हेयर लेंथ को ये कवर कर लेगा, और एब्जॉर्बेंसी इसकी बहुत अच्छी है, जिससे कि आपके जो वेट हेयर होंगे उसको ये ड्राई करने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर दे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसा कि मेंशन था कि जो ये है, ये हेड रैप है, वो एवरी हेड को, एवरी हेयर को कवर कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि जिनकी भी हेयर लेंथ जो है शोल्डर तक होगी उनके हेड के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जिनके हेयर लंबे हैं, लेंथी हैं, जैसे कि मेरी वेस्ट लेंथ है, उस लेंथ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें लिखा है ये लाइट वेट है, येस इट इज़ वेरी लाइट वेटेड। और अगर जिनके भी हेयर शॉर्ट हैं और उनको टावल को रैप करना अच्छा नहीं लगता अपने हेयर में, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट। बाकी जैसा कि इसमें मेंशनड है कि ये रिड्यूस करता है टाइम को, यानी कि जितना भी आपको टाइम लगता है अपने हेयर को ड्राई करने में, ये उस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इसमें इतनी एब्जॉर्बेंसी नहीं है कि ये आपके उस टाइम को शॉर्ट कर। हाँ, ये लाइट वेटेड ज़रूर है, जिन भी लोगों को टावल अपने हेड में रैप करना पसंद नहीं है, यानी कि थोड़ा उन्हें हैवी फील होता है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट होने वाला है। और जिनकी भी हेयर लेंथ शॉर्ट है उनको भी ये काफ़ी यूज़फुल लगने वाला है, बिकॉज शॉर्ट हेयर लेंथ के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मैं जब हेयर स्पा के बाद स्टीम लेती हूँ उसके लिए मेनली ये मैंने लिया था, तो उस पर्पज़ के लिए मेरे लिए जस्ट ये ओके है। आई एम नॉट हैप्पी विद दी एक्चुअली दी लेंथ, बाकी क्वालिटी इज़ जस्ट ओके। अगर आप इसको ज़्यादा रेगुलर यूज़ करेंगे तो आई डोंट नो ये कितने वॉश के बाद काम नहीं करेगा, बिकॉज क्लोथ जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पतला है। सो, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस हेड रैप को परचेज करने में, तो मैं जो डिटेल्स हैं यानी कि बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो ऑल राइट, ये था आज का वीडियो अबाउट दिस हेड बैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।